अस्सलामुअलैकुम। खातिन हज़रात, गर्मी की शिद्दत जिस तरह बढ़ रही है, लेकिन बिजली का बिल देखते साथ ही हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं ना जी। और वो तो अभी आगे देखें, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है जो आपके साथ होने वाला है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे या ना करे, लेकिन गर्मी ने अपना पूरा टेन्योर करना है, क्योंकि दरख्त तो हम काटते जा रहे हैं और जो आगे गर्मी ने मुसीबत लेके आनी है। देखिएगा आपके साथ होता क्या है। मुसीबत तो मेरे लिए है ना बट जी, एक तो जब मैं यूके में होती हूँ तो सर्दी जान नहीं छोड़ती, और जब पाकिस्तान वापस आ जाती हूँ तो गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब क्योंकि मेरीन का है, आप कौन है? आप मुझे नहीं जानते? अरे केवी, वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप अभी तक इधर ही हैं? आई एम सॉरी, आई मीन आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। एनीवे, गर्मी की बात हो रही थी ख्वातीन हज़रात, और आपको तो पता है कि पाकिस्तानियों के पास हर चीज़ का इलाज होता है, और गर्मी का इलाज हमारे पास है, और वो है भंग पी के चिल। एक्सक्यूज मी, बट मैंने तो सुना है भंग से ना सिर्फ गर्मी दूर होती है बल्कि टेंशन भी दूर हो जाती है। हाय 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 हाय, क्या बात कही, एक्सपीरियंस बोल रहा है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, उधार लेके हम एसी ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन 50 या 60 रुपए का छोटा सा पौधा नहीं लगाएंगे। अरे दरख्त लगाएं, क्योंकि अगले 10 साल बाद इन्हीं दरख्तों ने ये गर्मी को कम करना है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हाथ में आपने पंखा पकड़ा होगा और बत्ती नहीं होगी। वो तो वक्त आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, और आज के हमारे मेहमान, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं। इंडिया में इनका नाम है, अमेरिका में इनका नाम है, यूके में इनका नाम है, पाकिस्तान में इनका एक ही नाम है, और आज आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम द म्यूजिक लेजेंड शिराज ओपन। वेलकम टू द शो मिस्टर ओपल, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं, कभी आप म्यूजिक में होते हैं, कभी नहीं होते, कभी रिटायरमेंट हो जाती है, फिर एकदम वापस एंट्री हो जाती है, फिर यू टर्न हो जाता है, ये मौसीकी की पीटीआई से तो नहीं आपका? ये तो किसी, हाँ किसी और की खासियत बता रहा था। नहीं, मगर यू मेकिंग अ कमबैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाउ अगेन। आई हैड बीन डूइंग म्यूजिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बीच में ब्रेक आई थी, हाँ, जस्ट फॉर अ ईयर बैक इन 2012। या बीच में फिर आपने म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान, प्रोडक्शन ज्यादा, हाँ, लेकिन गा भी रहा था उसमें फिल्मों के जितने गाने थे, वही ना, मतलब आपको लगता है पॉप सॉन्ग्स थे ही नहीं ना, किसी के भी नहीं थे। पॉप इंडस्ट्री अब फिर से जाके दोबारा से आफ्टर कोविड, यस, रिवाइव हो रही है। आपको लगता है कि पॉप इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बदल चुका है जो आज से 5-10 साल पहले था? ग्लोबली बदल चुका है, बिल्कुल, डेफिनेटली। कंपोजिशन वाइज या सिंगिंग वाइज? कंपोजिशन वाइज, सिंगिंग वाइज, लेकिन जिस तरह का मेलोडियस म्यूजिक होता है, द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई यूज्ड टू डू और आई स्टिल डू, वो लॉन्गर टर्म उसकी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, जो शेल्फ लाइफ है बहुत थोड़ी है। आजकल गाना आता है और उसकी जो शेल्फ लाइफ है इट्स मैक्सिमम अ वीक, उसके बाद इट्स गॉन एंड अनदर वन रिप्लेसेस इट। बट डोंट यू थिंक एक टाइम होता था जब वो एवरग्रीन सॉन्ग होते थे? अभी भी होंगे एवरग्रीन, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक है उसकी मेलोडी से है। मेलोडी शुड बी एज सच जो कि याद रहने वाली होती है, वो मेलोडी। आजकल जितना जो ज़्यादातर म्यूजिक आ रहा है उसमें मेलोडी नहीं है। बदो बदी 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 कली दानी प्याल है बदो बदी बद। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, बड़े बेताली एंट्री मारी है, मगर जिसका मैं गाना गा रहा हूँ वो भी ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। जावेद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जान, यहाँ ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ? हमारी क्रिकेट टीम देखो क्या किया उन्होंने, मेरा दिल उचात हो गया। मैं तो अब टीवी शोज में जो क्रिकेट के प्रोग्राम होते हैं ना, उनसे भी बायकॉट कर लाऊं। हाँ, सुना है कि कौमी टीम के क्रिकेटर्स भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे सीनियर खिलाड़ियों को भी ना टीवी पे आने से पाबंदी लगाई जाए। ये कौन है? फीकी मिठाई पे बैठने वाली मक्खी। फीकी मिठाई पे नहीं, केबी है जी, यार जो भी है, लेकिन बात कितनी मनहूस की है इसने। ये जूनियर को पता नहीं क्या हो गया, साले के साले ही देखो कैसे बयान दे रहे हैं यार। हम सीनियर हैं, अपने कलोलों को मारे, हमारे लाखों पे नजर लगी हुई है यार, खुदा के लिए तौबा करो यार। लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं सर? मेरी जान, मैं असल में शिलाज भाई से मिलने आया हूँ। अच्छा, मैं इनको मशवरे देने आया हूँ कि क्या आप क्रिकेट खेलते थे किसी दौर? हाँ जी डेफिनेटली। अगर आपने ना खेली होती ना क्रिकेट, आज आपकी और मेरी जोली ऐसे ही हिट होती जैसे सलीम अलबेला और पसरोली की है। तो सर आप बैठे, आप हमारा शो अटेंड करें। आए ना सर, मेरे साथ आके बैठें प्लीज। इतने प्यार से कोई बुलाएगा तो बंदा जहन्नम में भी चला जाए यार। आप चले क्यों नहीं जाते?
दोनों चलते हैं, रास्ते में मैं अकेला बोल हो जाऊंगा। नहीं सर, वहाँ वन वे टिकट ही होती है। अच्छा, वन वे ही है। जी जी, चलें कोई बात नहीं, आपके पास बैठता हूँ, शायद दोनों जहन्मी हो जाएं। अच्छा सर, हाल ही में आपने बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एक दो बयान दिए थे, मुझे बताइए ये कॉन्ट्रोवर्सी जो है ये मौसीकी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आई हैड नेवर बीन अ कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन, लेकिन आजकल जिस तरह हर चीज की कॉन्ट्रोवर्सी बना दी जाती है तो उसी तरह इसकी भी बना दी गई। मतलब दे डोंट लिसन टू द होल थिंग, कि पूरी बात हुई क्या है। बीच में से एक चंक उठाते हैं और उसको लगा देते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली। फिराज सर, आपसे मैंने पूछना था कि आपने रिसेंटली एक जगह पे स्टेटमेंट दी थी किसी के पॉडकास्ट में, आई थिंक कोई है, हाँ कोई है उसके पॉडकास्ट में आपने ये स्टेटमेंट, वो वेला सा पॉडकास्ट है, मैंने देखा है। आपको कैसे पता चला? वो वेला, उसकी शक्ल से ही लगता है ये वेला है। जी सवाल क्या आपका? आपने उनकी पॉडकास्ट में ये स्टेटमेंट दी थी कि आतिफ असलम और आयमा बेग को वोकल ट्रेनिंग आपने दी थी। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने उनको गाना सिखाया, लोग समझ रहे मैंने कहा कि मैंने गाना उनको मैंने सिखाया। दे आर वेरी गुड सिंगर्स, लेकिन इनका सवाल जब मेरे से था कि जब आपके स्टूडियो में कोई वोकल करने आता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम, आतिफ तो 2004 से रिकॉर्ड कर रहा है मेरे स्टूडियो में ही, और मेरे पास कुछ 60 सॉन्ग्स उसके रिकॉर्ड हुए हैं। अरे वाह वाह वाह, 60 सॉन्ग्स, 60 सॉन्ग्स, ऑल बॉलीवुड। ओके, और बाकी वो प्रोडक्शन जो मैंने की थी उसके, जो गाने मैंने कंपोज किए थे बिसाइड्स दैट। तो जब वो माइक पे खड़े होते हैं तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ सिंगर, आई नो व्हाट एक्सप्रेशन डू आई वांट फॉर माय कंपोजिशन फ्रॉम अ सिंगर, तो वहां पे गाइडेंस आती है। और यहाँ तो जॉब भी आपका हुई है। हाँ, तो वो गाइड करना पड़ता है कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, इसकी अदायगी कैसे होगी, यहाँ पे हार्श आवाज चाहिए, सॉफ्ट आवाज चाहिए, तो उसकी बात की थी। दैट डजंट मीन कि मैंने किसी को गाना सिखा दिया। यहाँ स्पेशली मैंने देखा है कि सिंगर्स को बड़ा शौक होता है कि लिरिसिस्ट भी वही है, कंपोजर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, सारी टोपियां खुद ही पहन लेनी। ऐसी है, ऐसी है। मगर आपको नहीं लगता कि अब हम लोग एक ऐसे दौर में आ चुके हैं कि जहां टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया? डेफिनेटली, अभी एआई को अगर देखा जाए कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर जो आ गया जो आजकल के लोगों के लिए विच इज बिकमिंग वेरी इजी फॉर पीपल, के आप सिर्फ मिडी नोट्स बजाते, मतलब सर्टन नोट्स, और देन यू पुट इन योर ओन लिरिक्स, जो लिरिक्स उस नोट्स पे चाहिए। सो आई प्लेड 13 मैंने उस पे नोट्स बजाए, देन आई पुट इन द लिरिक्स, और एक गोरी 13 गा रही थी ना करे एआई। सो यहाँ तो टेक्नोलॉजी जा रही है। सर देखें, जावेद भाई, इसका मतलब है आप भी गा सकते हैं। हाँ तो जरूर गाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरी कैसेट अगर आ गई तो चौधरी शुजात ही सुनेगा बस। अच्छा जी, जहाँ हमारे सिंगर्स ने बड़े पॉलिटिकल गाने गाए हैं, आपने कोई पॉलिटिकल गाना नहीं गाया? इतना अपने आपको अफिलिएट नहीं किया? अफिलिएट मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट का बनता भी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन शो करना, बिकॉज वी आर द एम्बेसडर्स फॉर पीस एंड देयर इज नथिंग पीसफुल गोइंग ऑन फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स। ये तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है, आपने एआर रहमान के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है, आपने उनसे सीखा भी हुआ है, मगर अब जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जहाँ पहले और मैं कहूंगा कि वो गोल्डन एरा था कि जब पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्ट कोलैबोरेट करते थे, अब वो कोलैबोरेशन खत्म हो गई डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे हम जिस तरह वहाँ इंडिया में भी पॉप आर्टिस्ट अब इमर्ज कर रहे हैं काफ़ी सारे। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया पॉप बिल्कुल नहीं कोई सुनता था, बिकॉज उनकी जो फोटे है वो फिल्म म्यूजिक था, बॉलीवुड था, और पाकिस्तान में हम लोग हमेशा से यहाँ पे पॉप म्यूजिक चलता रहा, बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉप 20-25 तो अब वहाँ पे सिंस इस तरह के सिंगर्स आ रहे हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, बट इफ़ यू ट्राई टू कोलैबोरेट विद समवन जो कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से है, उनको वहाँ से फौरन फोन आ जाता है फिल्म एसोसिएशन की तरफ से कि डोंट डू इट, कि पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं करना। देखें सर, दौर बदल गया है ना, एक वक्त था ए आर रहमान मेरे पीछे भी हाथ धो के पल गया। मुझे कहता हाथ धो के सलाम करे। यार ऐसे क्या क्या आपने बेहुदा बात की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, उसके बाद आपकी ये स्टोरी सुनेंगे। माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। फिराज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो अपने बेटे की शादी पे। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और दूसरा ये कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो न्यू म्यूजिक आ रहा है उसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? जैसे ये न्यू चाहत सॉन्ग्स और म्यूजिक, व्हाई यू कॉलिंग दैट म्यूजिक? दैट्स नॉट म्यूजिक, दैट्स एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट बिल्कुल ठीक, म्यूजिक क्या, म्यूजिक की तोहिन कर रही है।
सही बात है, सही बात है भाई, दैट्स एंटरटेनमेंट और इट्स वेरी गुड, बट ही इज अ गुड एंटरटेनर, नॉट अ सिंगर। वाकई वो सिंगल नहीं है, देखा नहीं पहलवान की पिन्नी जैसा तो सारा है उसका। जिस दिन वो सिंगर बनने की कोशिश करेगा ऑडियंस में एक बंदा भी नहीं होगा। भाई बात बिल्कुल दुरुस्त है, एंटरटेनर है, एंटरटेनर के तौर पे ही उनको ट्रीट करें, मगर अब वक्त होता है माइंड द न्यूज का। लो जी बाजी, आज की ताजा तरीन खबरें मेरे साथ साथ देंगी पाकिस्तान की खूबसूरत बेबी अल मलूफ के भी। म्यूजिक लवर्स के लिए धमाकेदार न्यूज, चाहत फतेह अली खान ने अपना न्यू सॉन्ग तक दिना दिन रिलीज कर दिया है। अच्छा यार चाहत भाई, जितना जुल्म करना हम पे कर लो, एक दिन आएगा तुम्हारा हिसाब जरूर होगा, ये याद रखना। अब मैं सोचती हूँ कि ताहिर शाह कितना अच्छा इंसान था, उसने हमें माफ कर दिया है दो सॉन्ग के बाद ही। हाय हाय, लेकिन ये हमें पलापल जलील करके छोड़ेगा। चाहत खुदा के लिए अगर कोई चाहत है तो छोड़ दे यार हमारी जान। बातें तो आप बड़ी कह रहे हैं, जब सॉन्ग आएगा तो आप भी सुनेंगे। हाँ वो तो मैंने वो भी सुना था, बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। एक दोस्त ने मुझे बद्दो बद्दी सुना दिया था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अदाकारा हिब्बा बुखाली ने इंकशाफ किया है कि वो हर इबादत के बाद अपने मोबाइल फोन पे फूंके मारती हैं कि कहीं ये चोली ना हो जाए। हिब्बा जी एक दो फूंके हमारे कौमी खजाने पे भी मार दें, शायद कोई फायदा हो जाए। चलो हिब्बा जी, कौमी खजाना तो बहुत बड़ी बात है, आप बिजली की तालों पे दो चार फूंके मार दें, कम से कम बिजली चोली होना तो बंद हो जाए। उनको से मुल्क चलाने का इंजाम आपको पता है ना क्या हुआ था? बस मुटियाले यहीं पे लुक जा, इससे आगे मेरे पाल जलते हैं। नाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी पे 44 इयर्स पुरानी अपनी वालदा की साड़ी पहन के सबको हैरान कर दिया है। बाकी सब तो हैरान हो गए थे, लेकिन वो दूल्हा परेशान हो गया था, कहीं गरीब घर की लड़की से तो नहीं शादी कर ला। भाई ये तो बहुत अच्छा तासर है, ये तो 2-in-1 हो गया ना, एक तो बचत भी हो गई और माँ से मोहब्बत का इजहार भी। हाँ लेकिन ये जो बचत वाला आंसर है ना, ये मुझे ज्यादा सॉलिड लग रहा है। हाँ मुझे भी। अदाकारा शाजिया मंजूल ने कहा है कि शादी की तमन्ना अभी खत्म नहीं हुई, कोई अच्छा शख्स मिल गया तो जरूर शादी कर लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके लिए दुआगो हैं। पाजी शाजी आप शादी कर ले, हमारे बेनोई में जो कमी पेशी होगी आप सुर ठीक करवा के उनको भी सीधा कर लीजिए। मैंने इनके प्रैंक्स देखे हैं। अच्छा प्रैंक्स में बहुत सख्ती करती हैं। ओए ओए। लेकिन जब गुस्सा करती होंगी फिर क्या करती होंगी? मेरा ख्याल है डायलेक्ट छुड्डे ही मालती होंगी। प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान शदीद जख्मी हो गई। मेरा ख्याल है इनको गोला खामंद रास नहीं आया। वो कैसे? भाई जबकि उनकी शादी हुई है ना, तो उनकी कोई फिल्म हिट हुई है, ऊपर से आए दिन उनको सट्टें भी लगती रहती हैं। सोचा तो इन्होंने था कि ये हॉलीवुड में काम करेंगी, लेकिन इनका तो करियर बॉलीवुड में भी खत्म हो गया है। हॉली हॉलीवुड होली है वो। चले जी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये वो खबर है जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तहलका खेज खबर होगी। कौन सी? भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि सानिया मिर्जा अपनी दूसरी शादी करेंगी क्रिकेटर मोहम्मद शामी के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको पूरा हक है अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारने का। बिल्कुल। और आपकी पप्पू ने भी तो 9 शादियां की थी। वो तो खवातीनों अजलात उनकी औलाद नहीं हो रही थी इसलिए 9 शादियां की, फिर 9वीं शादी की तो ये हुई थी। सानिया जी एक बात करनी है आपसे, आप जरूर शादी करें खुश रहें, लेकिन ये बात समझनी है कि क्रिकेटर से ही क्यों? वो इसलिए कि पहले वाले क्रिकेटर को साड़ा भी तो डालना है ना। आपने एयर रहमान के साथ काम किया हुआ है, मगर ये जो अब नया नहीं क्या ये बिल जो इतना ज्यादा लगे, कहना ही क्या जो घर में एसी जरा सा चले, 80,000 बिल आ गया मेरा, इसको मैं बिल्कुल ना मानू। सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम। सलामुलेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल थोड़ा गाना सुनाया, ये जनरेटर पे बनाया था। जनरेटर पे। माशाल्लाह ये कौन है, ये कोई डमी है? नहीं जी ये, हाँ जी डमी है। माशाल्लाह ये मुझे कह रहे होंगे बात के बाद मुझे फीडल दे दिया था लोग। और सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहचाना? नहीं सर। ए आर रहमान साहब कितना बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम वाकई। कन्ना नो आतलाओ। क्यों मैंने उसको नहाते हुए देख लिया।
क्यों लगाऊं कानों को? यार लगाओ, बड़ा वड्डा ना, मैं उनका भाई हूँ। ए आर रहमान के भाई हैं? यस, बी आर बेईमान। बेईमान दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए परेशान। क्या कहने जी, सोफा पड़वा के शूज बनवाए ने। चलो ये भी अच्छा है, लोग तो पता नहीं कैसे कैसे बनवाते हैं। एक्चुअली मैं फैन हूँ शिराज उपल भाई का। अच्छा उपल भाई, तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अगो नहीं आंदा मेनू। वो क्या था भाई, जरा प्लीज भाई, अजला दा सोनी है प्यार। हाँ अजला दा सोनी है प्यार। नहीं सर, मैं बाय गॉड आपका बहुत फैन हूँ, क्योंकि मैंने आपके बड़ी सी ऐसी कंपोजिशन सुनी, आपको देख देख के मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं म्यूजिशियन बनूं। थैंक यू। और अच्छा, आप एआर रहमान साहब के भाई हैं? यस। तो आपने उनको नहीं देखा, आपने इनको देखा? भाई ये पाकिस्तान रह गए थे पार्टीशन में, पाकिस्तान में रह गया था। माशाल्लाह है कोई नवी चगुल खोर भाई, लगता काली कंध जो गुलहरी वेखण डई। भाई उसका नाम है केबी किरण भट्ट। भट्ट जी ये कौन है? सन ऑफ बफलो। लान तू दसिया ना। फैन तो मैं हूं ही आपका, लेकिन शिकायत मुझे इनसे बहुत बड़ी है। आपको भी है? यस। अच्छा। मैंने गुर्दे की शिकायत है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, कहते नहीं शिकायत मुझे आपसे, शिकायत क्योंकि एक गाना तेरा ते मेरा जो भी मैंने सुनाया आपको, वो आपने मेरा चोरी की है। ए? अच्छा। यस, इन्होंने चोरी किया है। और दूसरा वो रांझना, वो भी इन्होंने चोरी की है। नहीं मतलब कहाँ चोरी किया? ये मेरे घर आते जाते थे ना, मेरा इनके घर आना जाना था काफी। नहीं तो आप हो गए सारी फैमिली के रिश्ते। कोई ऐसे टिप्स दें भाई मुझे कि मैं एक दफा ए आर रहमान साहब से बड़ा नाम तो नहीं कर सकता, लेकिन आप ये सोच बहुत गलत है। वाह, ये बहुत गलत सोच है कि फला से बड़ा मेरा नाम नहीं हो सकता। हाय हाय, नाम देने वाला तो ऊपर बैठ। वाह 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 भाई क्या बात। मगर हाँ आपका नहीं हो सकता। जी जी। ये इसने बहुत अच्छे ट्रेनर्स पहने हुए हैं, लेकिन ये आंखों में बहुत लग रहे हैं। भाई वाह, एयर एयर क्यों पहने हुए आपने? एक्चुअली मुझे गैस रहती है ना। तो, तो ये बात टीवी पे नहीं बताते, हुकूमत कहीं पाइप लेके तेरे पास ना आ जाए। यार अपनी ना बके ईरान वाला मंसूबा कैंसिल, मोटे वाला शुरू। बात ये है कि मैं चाहता हूँ उपल सर जी, अगर आप कुछ प्लीज कुछ गाना चाहते हो मेरे साथ, कोई ड्यूट करना चाहते हो? यार उपल भाई का जब गाना मैंने सुना था ना पहली दफा, मेरा सांस उपल का उपल ही रह गया। भाई वो बड़ा खूबसूरत गाते हैं, आप किस तरह का गाते हैं? सर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं उनकी आवाज तो अच्छी है वैसे, आप सर ऑनेस्टली आवाज अच्छी है। सर प्लीज आप अगर प्लीज मेरे लिए दो शब्द सर प्लीज एक गाना मुझे डेडिकेट कर दीजिए। जी जी, मेरी माँ बहुत बीमार है प्लीज। ये आपका ही है एक्चुअली, विरासत में मैंने आपको दिया था। यस। तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अजला दा सोनी है प्यार नी, आ जा ते बह जा फुल्लां दी छावें, कर लईए कॉल करार नी, आ जा मेरे यार, आजा तू बन के बाहर, किन्ना करा मैं इंतजार, आजा मेरे यार। तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अजला दा सोनी प्यार, come baby, आजा ते बह जा फुल्लां दी छावें, कर लईए कॉल करार नी, I love you, आजा ओ बह जा मेरे। देखिए ये हो गई ना कोलैबोरेशन हमारी। सर आपको ग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्लीज ये भी मुझे डोनेट कर। मैं अंधा हो जाऊंगा अगर ये मैंने आप नहीं नहीं भाई जान, भाई जान मेरा ख्याल है अब आप यहाँ से चलते। ये शूज मुझे थे तो ठाकुर, ये मेरी माँ बहुत बीमार है। यार शूज क्यों मांग ले अपनी अम्मी के लिए? वो क्या बूट पहन के ड्रिप लगवाती है? ओ अम्मी के लिए नहीं, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। तो बीमार अम्मी है, शूज तू पहनेगा, भाग भाग के दवाई लाएगा। इन्हें गोली मार दो, मेरी माँ बहुत बीमार। यार आज इन्हें तो एक छोटी सी नहीं क्यों ब्रेक, मेरी माँ बीमार, तानू ब्रेक का सूझी है।
ओ बेचारी मौत ने मुझ पई खाटी नजराने भरे लेते करना नहीं कर रही तेले जैसा बच्चा पैदा ओए चुप कर जा मेरी मां बीमार है तेले जैसा बच्चा पैदा करके अम्मी नहीं ना मरी तो अब भी कुछ नहीं होता ब्रेक लो एक छोटी सी ब्रेक लेते क्योंकि इनकी मां बीमार है डोंट गो एनीवेयर माइंड ना करना Welcome back from the break. خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ نہ کرنا اور وقت ہوتا ہے مائنڈ دا گیپ کا جس کے اندر ہم لوگ تین اپنے پہلے ہی لفظ چوز کر لیتے ہیں ان کو نہیں معلوم میرے تین ورڈز کیا ہیں اور مجھے بھی نہیں معلوم ان کے تین ورڈز کیا ہیں تو پہلا میرا ورڈ ہے آپ نے بوجھنا ہے یہ دونوں آبویس سی بات ہے غدار ہیں ہمیشہ آپ کی ہیلپ کریں گے نہیں بات جی آپ ہماری جان ہیں دیکھیے آج بھی آپ ہی آ لیں گے واہ 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 ایسے دوست ہوں تو دشمن کس کو چاہیے تو آئیے جی میرا پہلا ورڈ یہ ہے دلچسپ ورڈ ہے اچھا بڑا ہی مزیدار ورڈ پھر لام سے ہوگا کھانے والی چیز ہے اوکے میٹھی نہیں میٹھی نہیں میٹھی نہیں سبزی کہہ سکتے ہیں اس میں سبزیاں ہاں سبزیوں سے بھی ہوتی ہے سبزیوں سے بھی ہوتی ہے روز کھاتے ہیں مطلب میجورٹی جو گھر میں کچھ لوگ روز کھاتے ہیں بس اور ہنٹس نہیں دوں گا اب آپ کو پوچھنا پڑے گا میم لاک کریں کمپیوٹر میم لاک کریں لا 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 اچھا آئی ہیو فور مور چانسز جی جی کمپیوٹر جی الف کو لاک کیا جائے کمپیوٹر الف لاک کرے اچھا یہ پہلا ورڈ ہے نا پہلا ورڈ ہی الف ہے الف ہی آ گیا کمپیوٹر جی چھ یہ لاک کریں کمپیوٹر مجھے پتا چل گیا کیا ہے جو الف دو دفعہ آنا چاہیے تھا پھر ہاں آ گیا اب آیا ہے جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے ہمارا بہت مشکل ہو گیا آپ نہیں سمجھ آ رہا کہیں رے تو نہیں کمپیوٹر جی رے تو نہیں کمپیوٹر پہ رے آتا ہے کیا بات ہے جی اچار اچھا جی ایک پوائنٹ آپ کا ہوا اب میری باری اچھا اچھا اب آپ کا پہلا ورڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ارے چار لیٹرز ہیں جی کیا یہ کھانے والی چیز ہے کوئی نہیں جی کھانے والی چیز نہیں ہے کوئی کیفیت ہے کیفیت نہیں ہے اب یہ سالڈ چیز ہے سالڈ ہاں اس کو ٹینجیبل 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 ایکسپینسو ہے یس ویری ایکسپینسو Sometimes it's very expensive. موسیقی سے اس کا کوئی موسیقی سے نہیں تعلق نہیں ہے اس کا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں سٹائل سے تعلق ہے اس کا سٹائلش لوگ ذرا سٹائل مطلب پہننے والے اس سے نہیں ضروری نہیں ہے اٹس سارٹ اف سٹیٹس سمبل ہے سٹیٹس سمبل ہے مہنگی ہے اس کا مہنگی ہے مہنگی ہے اور ٹینجیبل آپ نے کہا ہے یہ چیز ٹینجیبل مردوں میں ہے ہٹ یا عورتوں میں مردوں میں زیادہ ہے مردوں میں زیادہ ہے اوکے مردوں میں زیادہ ہے کیونکہ یہ بڑا کامن ہوتا ہے یہ اردو میں بڑا آتا ہے کمپیوٹر یہ لاک کریں بست ہو گیا یہ نہیں آتا اس میں الف آتا ہے اس میں کمپیوٹر الف لاک کریں ذرا الف آتا ہے اس میں ٹھیک ہے جی الف آتا ہے ٹینجیبل چیز ہے فیشن سے آپ نے کہا اس کا کڈ بھی یہ آپ کے پاس ہے نہیں آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہے I made it easy for you. یہ پینے والی چیز ہے جی سگار سگار کمپیوٹر لاک کریں اچھا جی اب دیکھتے میرا ورڈ اگلا ورڈ یہ ہے اوکے اچھا پانچ لیٹر پانچ ہی پانچ ہے اچھا جی یہ جو چیز ہے نا یہ کہہ لیں کہ بڑی خوبصورت ہے اوکے اور کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہے کچھ بہت کم ریئر لوگ ہیں جن کے پاس ہی ہوتی ہے ٹینجیبل ہے ٹینجیبل تو آپ کو پتا ہے ہر چیز ہوتی ہے مگر زندہ چیز ہے یہ عورتوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے مردوں کے پاس کوئی جینڈر سے تعلق ہے مردوں میں یہ زیادہ زیادہ ہے کمپیوٹر جی لام آتا ہے اس میں کمپیوٹر لام آتا ہے اس میں لعنت ہے کمپیوٹر چلیں ایک ہنٹ آپ کو دیتا ہوں یہ ایک اینیمل ہے مطلب اینیمل میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں اب آپ کو پتا میں وہ اسپیسیفک نہیں بتا رہا کہ اینیمل رے آتا ہے اس میں کمپیوٹر جی رے آتا ہے اس میں کمپیوٹر رے او رے بڑا اسپیسیفک پہنچے آپ جیم آتا ہے اس میں جیم آتا ہے کمپیوٹر جیم لاک کریں
रे तक पहुंचे, मेरे नहीं ख्याल था रे तक पहुंचेंगे। अलिफ कंप्यूटर जी, अलिफ अलिफ कंप्यूटर इसमें आता है, लॉक करें जरा। ओ, पुराने वक्तों में मोहब्बत से रिलेटेड मतलब सिंबॉलिक, किसने मोहब्बत की नहीं कभी बताए जी। कंप्यूटर जी इसमें काफ आता है, आ गया। बे आते, ओ अब बहुत मुश्किल है। इससे कहीं पुराने दौर में चिट्ठियां भी पहुंचाई जाती थी। जी, चिट्ठियां भी पहुंचाई जाती थी, बड़ा मैसेजेस लिखना था। उस टाइम पे व्हाट्सएप का काम यही करता था। कबूतर कबूतर, वाह जी वाह, बड़ा मीठा था व्हाट्सएप का। आज ये दो पॉइंट्स हासिल कर लिए, एक पॉइंट मेरा है। आपका अगला, अब अगर ये मैंने पूछ लिया तो ये पॉइंट मेरा हो। ओके ठीक है जी, देखते हैं आपका वर्ड क्या है। ओके, छोटा वर्ड। अच्छा जी सर बताइए। ऑफ कोर्स टेंजिबल है, पीने वाली ज्यादातर काले रंग में होती है। ठीक है, ज्यादातर काले रंग, काले काले रंग में होता है। ओके, खाने वाली चीज। इट्स आउटडोर्स नॉट इनडोर। कोई जानवर है? नहीं नहीं। कोई खाने वाली चीज है? नहीं। कोई पहनने वाली चीज है? नहीं। कोई पालने वाली चीज है? नहीं। ओके, बाहर होती है, घर में नहीं होती, जानवर भी नहीं है। 99%। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जरूरी चीज है ये। गाड़ी मतलब टाइप कोई, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है, अलिफ पूछ लो भाई। पहले कंप्यूटर इसमें अलिफ आता है, जरा अलिफ लॉक करें। अच्छा अलिफ आता है इसमें। ओके, चे आता है कंप्यूटर इसमें, चे लॉक करें जरा। नहीं आता यार, खुद ही पूछो। ये आता है इसमें, ये नहीं आया। क्या इसमें रे आता है? रे दार, दार है और मतलब अगर एक और गलत होता है फिर मैं आपको क्यों और दूंगा। जलाने के लिए काम आता है ये, आ जाता है। कुछ लोग इसको जलाते भी हैं। कुछ लोग इसको जलाते भी हैं। ये क्या चीज है यार, काली है, जलाते भी हैं। इस पे बैठा जा सकता है? डायरेक्टली नहीं मगर किसी टायर। एग्जैक्टली टायर। दो पॉइंट्स इन्होंने लिए, दो पॉइंट्स मैंने लिए। सडन डेथ होने वाला है। मेरा आखिरी वर्ड इन्होंने बूझना, अगर आपने बूझ लिया तो आप जीत गए, ना बूझे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है जी, मेरा वर्ड है। सर ये तो वैसे ही जब नहीं डरा दिया। कुछ बताता हूँ आपको इसके बारे में। ये खाने वाली चीज नहीं है। ओके, ये कैफियत से रिलेटेड है और आप के फील्ड में है ये। अच्छा, ठीक है। आपसे इसका एक गहरा लगाव भी है। ऑलराइट, और कह लें कि कुछ लोग इसके दीवाने भी होते हैं। ते आता है? ते कंप्यूटर ते लॉक करें। नहीं सर, ते मौसी की से कैफियत, कैफियत सुर से, इस सुर से ताल्लुक है, सुर से ताल्लुक है। ये मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी। ओए होए होए, सीन आता है इसमें? सीन आता है इसमें कंप्यूटर? ना ना ना, हारमोनियम में सीन नहीं आता यार। हारमोनियम छह वर्ड का भी कैफियत, हारमोनियम कैफियत, मगर हारमोनियम से ये चीज बनती है। ओह ओ, राग बन, राग हो सकता है, राग इज टू शॉर्ट। मगर क्या मौसीकी, मगर रागों, रागों का नाम। ओ, इसमें मीम आता है? मीम जरा कंप्यूटर लॉक करें। ओह माय गॉड, मीम भी नहीं आता। यू गाइस हेल्प प्लीज। अच्छा भाई, बड़े कॉमन जो होते हैं वर्ड्स, वो अलिफ होता है, ये होता है, वो ये होता है। बस कर दे कंप्यूटर जी, इसमें ये आता है? ये आता है कंप्यूटर इसमें, ये आपको वो कह रहे हैं। ओह वो दो आ गए, दो आ गए। बे पूछ लें, बे ऐसे आइडिया दिया यार, मैंने देखा ही नहीं। कांट बी भैरवी, बे पूछ लें, खुद ही बात क्लियर हो जाएगी। क्या इसमें बे आता है?
गुड वन अब इसमें मेला ख्याल है हे पूछ लीजिए व्हाट इज दिस कैफियत मैं रागों पे कंसंट्रेट कर रहा हूं भाई अच्छा आपने अभी राग का नाम भी एक लिया है आई सेड भैरवी इज दैट तो इसमें हे आता है आ गया इसमें रे आता है वाव आता है राज मुझे हरवाने के लिए मेरे अपने ही बड़े काफी हैं yes! एक छोटी सी ब्रेक लेते ब्रेक के बाद अभी आधे तो हो रहे हैं कहीं मैं जाएगा आप देख रहे हैं माइंड ना करना Welcome back from the break, ladies and gentlemen. आप देख रहे हैं माइंड ना करना वक्त होता है आई डोंट माइंड लो शिलाज भाई आई डोंट माइंड यार वही है ना तुझे आता है ना बस इसी चीज की सैलरी ले ले तू बात सुनो शिलाज भाई जी कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा मैं आपके सामने जिससे आप एग्री करें उस पे आप कहें आई डोंट माइंड जिस पे आप डिसएग्री करें इधर कप रखे आई माइंड बिल्कुल ठीक है आगाज करते हैं पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए मैं वाहद और आखिरी चांस हूँ गुलुकाल जवाद अहमद I mind. दोनों पहले आप बताइए देखिए जी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो जब से बनाए तब से ही नाजुक हैं तो ये जब कोई कहता है कि जी मैं ही आखिरी चांस हूँ ये वो दिस एंड दैट नहीं मेरा ख्याल है चांस लोगों के हाथ में है वाकई हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब हमें नहीं नज़र आ रहा कि जी इन हालात से हम कैसे बाहर आएंगे लेकिन जब तक हम इकट्ठे हो के फैसला नहीं करेंगे कि हमें ये चेंज चाहिए तब तक कोई चेंज नहीं आना जब तक लोग नहीं बदलेंगे हालात नहीं बदलने लगे चाहे जवाद अहमद आ जाए अबरारुल हक आ जाए अगर हम सिंगर्स की बात कर रहे हैं तो या कोई भी आ जाए ओके अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं इन सब को सलाम जो मुझ पर तनकीद करते हैं आई एम अ बेग आई डोंट माइंड आई थिंक ये एक बड़े सिंगर की निशानी है कि वो कहता है जी ठीक है भाईजान आप अपनी जगह पे खुश रहे मैं अपनी जगह पे खुश हूं जी बिल्कुल बिल्कुल एवरीवन हैज द राइट ओके अगली स्टेटमेंट बाबर आजम में कप्तानी की सलाहियत नहीं है शोएब अख्तर मैं एग्री करता हूँ मैं भी ओ क्यों एग्री करते हैं आप जो कैप्टन होता है ना उसके अंदर ऑफ कोर्स पूरी टीम खेल रही है बिल्कुल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम कैसा खेल रही है कैसा परफॉर्म करे कैसा नहीं कर रही इज रिलाइज ऑन द कैप्टन बिल्कुल तो बींग द कैप्टन अगर इफ आवर टीम आवर टीम फेल्ड तो ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल ठीक आप बिल्कुल जी मैं 100% एग्री करता हूँ और देखिए आपने ट्रैक देख लिया पहले आप जब इंडिया गए थे वहाँ भी आपने परफॉर्मेंस देख ली कैप्टनसी की आपने इस T20 में भी देख लिया और आपको कितने प्रूफ चाहिए कि भाई एक बंदा कैप्टन अच्छा नहीं है बैट्समैन वो बहुत अच्छा है आप उसको बैट्समैन के तौर पर ही ट्रीट करें एक बंदा कैप्टन फेल हो रहा है बार बार ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट बिकॉज 26 करोड़ आवाम में से 16 लोग सेलेक्ट हुए हैं अगर नहीं परफॉर्म करें तो फिर उनको हटाएं बिल्कुल ठीक है मैं समझ गया हूँ मेरे गेस्टों ने कहा नहीं बाबल ये कहना चाहते हैं दोस्तों को छोड़ो और पाकिस्तान का सोचो ठीक है जी शुएब मंसूर और आतिफ असलम ने होना था प्यार का क्रेडिट नहीं दिया शराज उपल आई डोंट माइंड ये इनसे पूछे हैं बाप बताएं हाँ नहीं दिया ना मतलब इट्स माय कंपोजिशन अभी आप कह रहे थे कि जरूरी नहीं मीडिया पे आके बात की जाए उन्होंने नहीं किया अब क्यों दुख हुआ आपको तो मेरी रॉयल्टी मर रही है इसकी वजह से हाँ एक आर्टिस्ट के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है रॉयल्टी एक ऐसी चीज़ होती है जब भी आप कोई कॉम्पोजिशन या गाना बनाते हैं तो उसकी रॉयल्टी इट्स फॉर योर लाइफ एज वेल बिल्कुल एंड आगे आपके जितने जनरेशन हैं इट्स फॉर देम तो खाली अगर मैं इसके लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो खाली मेरा हक नहीं मरेगा मेरी पूरी जनरेशन का हक बनेगा कोई भी चाहे एक गाना हो चाहे 10 गाने सो सिंस दैट सॉन्ग होना था प्यार वॉज कम्पोज एंड बाई मी और उसका म्यूजिक एंड रिकॉर्डेड सब मैंने ही किया और शोएब मंसूर साहब नोज अबाउट इट द होल इंडस्ट्री नोज अबाउट इट और बहुत जगह क्रेडिट में गलती से मेरा नाम दिया भी हुआ है और यूट्यूब वगैरह पे वहाँ पे नहीं है ये जाती है यार अभी तक किसी ने करेक्ट नहीं किसी ने करेक्ट आप बट जी नहीं भाई बात तो सही है देखें एक आर्टिस्ट को क्रेडिट ही तो सबसे बड़ी चीज होती है बिल्कुल ऐसा है ना तो अगर वो ही नहीं मिल रहा तो फिर तो ये बात गलत है ये ज्यादती है यार एक गरीब और फेम आदमी दो वक्त की रॉयल्टी तो मांग ला है यार खुदा का खौफ करे यार शोएब अंकल मेहरबानी है यार आपकी अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं जल्द ही मेरे 2 गाने रिलीज हो जाएंगे हिला मानी अच्छा आई डोंट माइंड अरे वो रिलीज
माइंड आपसे शुरू करते हैं। आपको लगता नहीं वो सिंगल है? मुझे लगता है बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। गाना नहीं गा सकती? ठीक है, गाना जिस तरह का वो गा रही है उस तरह का वो आप भी गा सकती है। मेरे स्टूडियो में गवा लेता हूँ आपको ऑटो ट्यूनर से। हाँ भी गाना चाहती है? मेरा ख्याल है, दैट्स व्हाट आई बिलीव इट। भाई नहीं देखें, वो एक कंपोजर भी है, वो प्रोड्यूसर भी, बिकॉज़ आई हैव सीन सम वीडियोस जिसमें वो लाइव गा रही है। हाँ। तो जब लाइव का बीइंग अ कंपोजर और अ सिंगर माय सेल्फ आई वुड जज दैट एंड गेज हर फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस। आप तो बहुत ज्यादा ऑफ की हो रही है, तो मतलब आप जब इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं तो आपको म्यूजिक क्या पड़ी हुई है? नहीं बात सही है कि भाई अगर देखिए उनको मौसीकी का शौक है तो मेरा ये ख्याल है कि उनको राग रियाज और ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि लाइव के अंदर हाँ मैंने भी दो तीन क्लिप्स देखी थी जिसमें वो आउट ऑफ की थी। हाँ चलिए लास्ट स्टेटमेंट है आपके लिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। बेटे की शादी के वक्त दिल में ख्याल आया कि मैं भी दूसरी शादी कर लूँ शिराज ओपल। ये पल्ले से कहा दिल में आया? यार बिल्कुल नहीं आया था दिल में। अच्छा? हाँ, जिससे शादी की होती है ना एक भी, उसके दिल में ऐसी बातें आ रही होती हैं कि यार एक ही निभा रहे बड़ी बात है, दूसरी शादी निभा नहीं सकते आप। नहीं ये तो मेरा जो पर्सनल ख्याल है, आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू हैंडल टू वाइव्स एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू वाइव्स, एक काफी होती है। अच्छा ये मेरा सिर्फ बीवी की बात हो रही है, बीवी जाती तजर्बा है। सच में जो बंदा जो भी दुनिया में दूसरी शादी करता है ना वो फिर तीसरी भी करता है। नहीं बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका आज एक दफा जब झांका खुल जाएगा, झांका खुल गया भाई, देन मेरा ख्याल है शादी भी एंड डिवोर्स इक्वली, नॉट ओनली मैरिज, उसके लिए डिवोर्स भी इतनी इजी हो जाए। भाई आप एक को ही निभा लें तो बड़ी बात जी, बिल्कुल। इसके साथ ही खवातीन हज़रात हमारा वक्त खत्म हुआ, लेकिन हम शिराज भाई से कैसे ना पूछें कि वो क्या चीज माइंड करते हैं। सर मैं माइंड, मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। कोई भी अगर सच बोल के कुछ भी बात कर लेना, फॉर एग्जाम्पल मेरे सर्वेंट के साथ आज ही हुआ है कि उसने कोई चीज़ ऐसे तोड़ी थी, या परसों की बात है, बल्कि मैं सुबह उठा तो मुझे स्मेल आ रही गैस की पूरे घर से ना, तो मैंने कहा कहाँ से लीकेज आ रही है। तो उसको मैं पहले एक दफ़ा वार्न कर चुका था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, सच बोल के जो कहोगे तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, डांटेंगे भी नहीं तुम्हें। वो गैस की स्मेल आ रही, मैंने उसको लेके मैं ऊपर गया, वॉज इन द बेसमेंट स्टूडियो के बाहर, तो मैंने देखा तो वो गैस खुली हुई थी वहाँ से, उससे थोड़ी देर कोई घंटा पहले उसे चाय बनाई थी मेरे लिए। मैंने कहा तो सो ही रह जाते अगर मुझे पता ना चलता, तो घर में गया कोई अगर माचिस जलती है कुछ भी होता, तो उससे मैंने कहा कि तुमने खोली थी? उसने कहा नहीं। मैंने कहा सच सच बता दो बेटा, कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ बता दो ताकि मुझे एटलीस्ट पता चल जाए हो क्या रहा है। तो वो ही डिडंट एग्री टू इट, और फिर मैंने आई लुक्ड एट इट इन द कैमरास, ही वाज द कल्प्रिट। तो मुझे उससे बहुत गुस्सा चढ़ा कि यार तुम, फिर मैंने बिठा के उसे समझाया, मैंने कहा तुम्हें मिल क्या रहा है झूठ बोल के, यार अगर तुम सच बोल दोगे तो। आप चाहते हैं कि झूठ ना लोग बोले तो हमारी सियासत कैसे चलेगी? अल्लाह हाफिज करेगी, इसीलिए हम सियासत में नहीं है। ज़ादी रज़ाद अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो झूठ ना बोलें, माइंड ना करना। थैंक यू सो मच।